हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। सो हम लोग सेकेंड यूनिट जो है हमारा विंडोज़ एक्सपी उसके कुछ कंटेंट को कंटिन्यू कर रहे थे। सो अब हमारा नेक्स्ट कंटेंट है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन क्या होता है? जब हमें कोई भी फाइल जो हम बना रहे हैं उसमें क्रिएट कर रहे हैं, अगर हमें उस फाइल का यूज़ नहीं है तो हम उसको सिस्टम में रखकर उसकी मेमोरी को वेस्ट नहीं करेंगे, हम उस फाइल को डिलीट कर देंगे, राइट? या कुछ भी पिक्चर है, कुछ भी ऑडियो है, वीडियो है, मूवी है, जो कि मूवी आपकी बहुत ज़्यादा मेमोरी लेती है, 1 GB 2 GB, और आपने वो मूवी देख लिया है, अब आप उसको दोबारा देखना नहीं चाहते हो, या कुछ ऐसे फाइल जो कि अनयूजफुल है, आपको उसको फ्यूचर में यूज़ नहीं करना है, तो आप उसे डिलीट कर देते हो। तो वो डिलीट होके कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन हम बोल सकते हैं एक गार्बेज है, डस्टबिन है, जिसमें आप डाल देते हो कि ये अब इसका मुझे यूज़ नहीं है। बट अगर आपको वो फाइल रिसाइकल बिन से भी नहीं चाहिए, कि मुझे उस डस्टबिन को भी मुझे खाली करना है, मुझे उस डस्टबिन को भी नहीं भरना है, तो आप उसमें ये ऑप्शन है कि आप उस डस्टबिन को खाली कर सकते हो। तो वो फाइल आपकी जो है सिस्टम से डिलीट हो चुकी है, अब वो आपको सिस्टम में दिखाई नहीं देगी। बट कहीं आपने अगर फाइल डिलीट की है और वो रिसाइकल बिन में है, तो उसका एक बेनिफिट ये है आपको कि आप उसको वापस से रीस्टोर कर सकते हो। अगर आपने फाइल गलती से डिलीट करी, बाय चांस आपको डिलीट बटन प्रेस हो गया और आपको वो फाइल इम्पॉर्टेंट थी, नहीं आपको डिलीट करना था, तो आप उसको वापस से जाके रिसाइकल बिन से रीस्टोर भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ ऐसा डेटा है कि कोई और इसे ना देख ले, तो रिसाइकल बिन से भी आप उसको डिलीट कर सकते हो। तो ये सारे सिक्योरिटी के ऑप्शन आपके पास में हैं रिसाइकल बिन को लेके। अब मैं आपको एक नई चीज़ और बताऊंगी। कई बार आप फाइल को क्रिएट करते हो, फिर उसे डिलीट कर देते हो, और वो सिस्टम में नहीं रहती है क्योंकि आपने रिसाइकल बिन भी एम्प्टी कर दिया है। बट कई बार 1 साल बाद या 6 महीने बाद आपको ये होता है कि यार काश मेरे पास वो फाइल होती, तो उसके लिए ऑप्शन होता है बैकअप। अगर आपको कुछ लंबे टाइम के बाद ये लगता है कि यार मुझे वो फाइल वापस चाहिए, तो आप विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आप बैकअप का एक ऑप्शन है, आप बैकअप के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके अपना पुराना 6 महीने पुराना, 1 साल पुराना डेटा को भी रिकवर कर सकते हो बाय द यूज़ ऑफ बैकअप। बैकअप एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो कि आपकी पुरानी डिलीट की हुई फाइल को, जो सिस्टम में नहीं है, उसको रिकवर कर देगा, और आपके लिए ये बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट हम आते हैं ड्रैगिंग। ड्रैगिंग का यहाँ पर विंडोज़ में क्या काम है? जो आप कुछ भी ड्राइंग बनाते हो तो ऐसे मूव करते हो, या स्लाइड करना है आपको, या कुछ भी फोल्डर उठा के यहाँ से वहाँ रखना है, तो आपके पास विंडोज़ में जो ऑप्शन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं था, और विंडोज़ में है कि कई बार आप किसी भी फोल्डर को मूव कराने के लिए ड्रैग कर सकते हो, कुछ भी पेंट बनाने के लिए आप माउस से कुछ भी ड्रैग कर सकते हो, सर्कल ड्रैग कर सकते हो। सो इट इज़ द वेरी नाइस ऑप्शन यू हैव इन विंडोज़। अब हम और आगे बढ़ते हैं कि विंडोज़ एक्सपी में आपको, जैसे कि हमने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा था, तो इसमें बहुत अच्छा डिफरेंस ये है कि आप वहाँ कमांड दे रहे थे किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए, या डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए आप डायरेक्टरी बना रहे थे, बट इसमें ऑलरेडी अलग अलग फोल्डर के ऑप्शन आपके पास हैं, अलग अलग ड्राइव है, वीडियोज़ की अलग ड्राइव है, पिक्चर की अलग ड्राइव है, म्यूज़िक की अलग है, डॉक्यूमेंट की अलग है। तो जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को सेव करते हो या म्यूज़िक को सेव करते हो, तो आपको उसके अलग अलग फोल्डर मिलेंगे, जिससे आपको उसे ढूंढने में आसानी होगी, उसको उसके एक डिवाइडेशन में बहुत ही ईजी रहेगा कि आपका जो व्यू है सारी फाइल्स को देखने का, फोल्डर को देखने का, कि मेरी फाइल कहाँ है, फोल्डर कहाँ है, और मेरे पास कितनी फाइल है, तो उसके एक व्यू के लिए बहुत ही अच्छा डिवाइडेशन है विंडोज़ के पास में, कि आप सबको कैटेगरी वाइज डिवाइड करके रख सकते हो। सो विंडोज़ एक्सपी इज़ बेटर देन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें कई तरह के ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको यूज़ करने में ईजी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।